मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अखबार वाणी गॉसिप में। प्रियंका चहर चौधरी की जर्नी वीडियो कितने मिनट की दिखाई जाएगी, चलिए आप लोगों को बताते हैं ये सब चीजें होने से पहले ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमने आप लोगों को जानकारी दी थी पहले कि जर्नी वीडियो जो है तीन लोगों की बननी शुरू हो चुकी है, एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी। अब जो है कुछ और ट्विस्ट, कुछ और बदलाव जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रियंका की जर्नी वीडियो तो एडिट हो रही है, शिव ठाकरे की भी जर्नी वीडियो एडिट हो रही है, पर मेकर्स ने जो है, एडिटर्स ने जो है एमसी स्टैन की जर्नी वीडियो को बीच में ही रोक दिया है। और उसका कारण यह है कि वो मेकर्स जो है कंफ्यूज है शालिन और एमसी स्टैन के बीच में कि आखिरकार कंटेंट वाइज किसको आगे लेके जाना चाहिए और किसको नहीं, किसकी जर्नी वीडियो बनानी चाहिए और किसकी नहीं। इसी दौरान ही इसीलिए एमसी स्टैन की वीडियो जो है बीच में जर्नी वीडियो को थोड़ा सा रोक लगाया गया है। पर अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है जिस तरीके से फेवर बहुत ज्यादा किया जाता है एमसी स्टैन को, अभी सुमुल तौकीर खान के बाद शालिन ही जो है मिड वीक एविक्शन उनकी होने वाली है और टॉप फाइव ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर शालिन जाते हैं तो टॉप फाइव कौन होते हैं। अब जो है जर्नी वीडियो बन रही है, जो निमृत की बननी स्टार्ट हो चुकी है और शिव ठाकरे की तो बन ही रही थी और प्रियंका की भी बन रही थी, पर प्रियंका चहर चौधरी की बोला जा रहा है वीडियो सबसे लंबी वीडियो जो है वो होने वाली है। 14 मिनट की वीडियो जो है आप लोगों को जर्नी वीडियो प्रियंका चहर चौधरी की दिखाई जाएगी। और भाई क्या आप लोग जर्नी वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और जर्नी वीडियो आप लोगों को पता है कि क्यों दिखाई जाती है शो के अंत में? अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।